हिंसक पशु बाघ की आमद से ग्रामीण खौफ के साए में जीने को मजबूर। वहीं वन विभाग नित नई तरकीबें लगाकर बाघ को शिकंजे में लेने के पुरजोर कोशिश में लगा। हालांकि अब तक वन महकमा बाघ को पकड़ने में नाकाम रहा। वनकर्मी दिनों दिन नई जुगत लगा रहे। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने हर तरफ जाल बिछा रखा। बाघ की निरंतर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाती। इतना सब कुछ होने के बाद हिंसक पशु बाघ उनकी पकड़ से बहुत दूर, बाघ किसी वक्त आकर पशु का शिकार कर सकता है। वन विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगती है। वनकर्मियों की माने तो एक सप्ताह पूर्व बाघ ने नरनी में गोवंश को निवाला बनाया था। एक सप्ताह बाद बुधवार को शाम जीरा के निवासियों ने खेत में बाघ की मौजूदगी की सूचना दी। इसके मुताबिक बाघ गांव के रामसनेही के गन्ने के खेत में छुपे होने की खबर वनकर्मियों को दी थी। मौके पर पहुंचे कर्मियों ने खेत में छुपा देखा। खेत को चारों ओर से घेर कर ड्रोन कैमरे से बाघ की तलाशी ली गई, लेकिन बाघ की कोई खोज खबर नहीं मिली। फिलहाल हिंसक पशु बाघ अभी भी वनकर्मियों की पकड़ से दूर। ग्रामीण में बाघ को लेकर दहशत व्याप्त है। आ जाओ इधर। चलो अब इधर लेके जाओ यहाँ तक सोने का। कहीं लेके जा। गन्ने के ऊपर लेना, बड़े वाले गन्ने के ऊपर। हाँ, और साइड साइड चलेंगे यहाँ से वहाँ पे।